कमलजीत सिंह भाटिया और वार्ड नंबर 45 की काउंसलर जसपाल कौर भाटिया की तरफ से शासन नगर पार्क में आज स्टील बेंच और एक्सरसाइज मशीन लगाई गई और पार्क की रिपेयर भी की गई। इसमें श्री रामेश शर्मा, श्री राजेश वर्मा, श्री रमेश विज, श्री विनोद खैरा, श्री हरदीप जिरेवाल, श्री भूपिंदर सिंह आदि शामिल थे। सत्य प्रताप की तरफ से रिपोर्टर राहुल की नीति। रूम भी तैयारी कराते पे, इन्होंने बेंच भी लगा दिते, मशीन भी लैन दी, जो आए ठीक किया है। एरिया कि पा इन्हा भाटिया साहब एरिया का नाम की है? शास्त्री नगर। नगर पार्क जोड़ा मेरे इलाके का, यह भावें हिस्सा नवा बनया पर मैं अपने इलैक्शन के दरम्यान सब तो पहले वादा किया कि मेरे इलाके के जिन्हें भी पार्क है, जिस तरह कि मेरा पुराना इलाका 120 पुटी रोड, बाग आलू वालिया, दिलबाग नगर और दरबार नगर के एक्सटेंशन के जो पार्क है बहुत वधिया डिवेलप किए हुए हैं। पर मैं महसूस करता सीगा कि जो इलैक्शन के दरम्यान इतने आया तो इस पार्क के बहुत कुछ होने वाला सीगा, भावें सोसायटी ने साडे साथियों ने इतने बहुत कुछ अपनी मेहनत के नाल किया, बट ये बहुत कुछ होने वाला सीगा जिदे मैं अज उस मनोरथ के नाल, उस भावना के नाल कि यह पार्क जोड़ा बाकी पार्कों वांगू ब्यूटीफाई करना, ये अज स्टील बेंच और नाल दे नाल एक्सरसाइज मशीन असी फिक्स करा रहे हैं और ये अलावा जो ट्यूबवैल वाला कमरा जो बिल्कुल खस्ता हालत के बच्चे है, इनू बकायदा असी प्लस्तर करके ये ते वाल पेंटिंग बनावांगे ता जो एक दिख का केंद्र बने, ये पार्क की जी ब्यूटीफिकेशन वधे। सो मैं धन्यवादी हाँ, क्योंकि मैं तो धन्यवाद इस करके ज़्यादा करदा क्योंकि मैनू तुसी इस काबिल किया, जे मैनू मेरे ते सारे ने विश्वास जताया कि इस इलाके की मैं कायाकल्प कर सकदा, तो उस कायाकल्प की जिहड़ी मेरी भावना सीगी उहनू मैं निरंतर जारी रखांगा और मैं जिथे भावें कारपोरेशन विच फाइनैशियल क्राइसिस ने और अज सारे काम रुके पए ने, पर मैं एक तहैया किया कि सफाई दे विच सफाई अभियान और इस तों इलावा बरसातां दे दिनां दे विच जिन्हां गलियां दे विच गारबेज की प्रॉब्लम है, गली गली दे विच रोड गलियां दी सफाई करवानी, उहदे अलावा गली गली दे विच कूड़ा करकट दे और पुराने मलबे जिहड़े रिमूव कराने और इन्हां तों इलावा इन्हां बरसातां दे मौसम विच ट्री प्लांटेशन करनी, पार्कों विच घाह लगाना और पार्कों नूं अच्छे बूटे प्रोवाइड करने, उहदे नाल नाल बेंचिस, स्टील बेंचिस और एक्सरसाइज मशीनां नूं मुहैया कराना, ये मेरी सब तो पहली प्रायोरिटी है। सो मैं अपने उस वायदे के अनुसार, क्योंकि चोणां जित के अगर वो लोग जिहड़े आ अपने इलाके तों बेमुख हो जांदे आ तां मैं समझदा कि चोणां लड़न का कोई मनोरथ नहीं रह जांदा, क्योंकि केवल पब्लिक दे नुमाइंदे दी इको ड्यूटी हुंदी है कि इलाके दीआं जिहड़ियां समस्यावां है उहनां नूं हल करना और उत्थे जिहड़ियां कमियां उन्होंने जल्दी तो जल्दी दूर करना।